बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में भाइयों हम लोग बात करेंगे अर्णब गोस्वामी के बारे में। जी हाँ, अर्णब गोस्वामी वो इंसान, वो जर्नलिस्ट जो एक समय बड़े ही काबिल जर्नलिस्ट होते थे, बेहतरीन इंसान होते थे। मैं बात कर रहा हूं 2010 से 2012, 13, 14 के बीच में, जब उन्होंने टाइम्स नाउ के लिए एंकर करते हुए बहुत बेहतरीन काम किया, देश के लिए काम किया, देश हित में काम किया, बहुत सारे स्कैम्स को वो सामने लाए, एक्सपोज किया, एंड ही वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टुपेंडस, ही वॉज फैंटास्टिक विदाउट अ डाउट। अगर एक आइडियल जर्नलिस्ट क्या होता है, एक न्यूज एंकर को क्या होना चाहिए, एक न्यूज एंकर विथ अ डिफरेंस, एक रेबेलियस न्यूज एंकर, तो वो अर्णब गोस्वामी थे। उन्होंने रास्ता दिखाया पूरे भारत को, पूरी दुनिया को, एक नई किस्म की एंकरिंग करने का देश हित में, भारत हित में। और मैं अनुपम त्रिपाठी स्वयं उनको फॉलो करता था, उनका फैन था, और मेरे ख्याल से उनने बेहतरीन काम किया उस समय। फिर भाजपा की सरकार आई, अर्णब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ को छोड़ा और अपना नेटवर्क चालू करने का डिसीजन लिया रिपब्लिक के नाम से। जब उन्होंने ये करने का डिसीजन लिया तो ये भी खबरें आई कि उस समय का कांग्रेस राज का जो एलिटिस्ट खान मार्केट वाला मीडिया होता था, उन्होंने अर्णब गोस्वामी के रास्ते में बहुत सारी अड़चने डाली और उसको चैनल खड़ा करने में बहुत सारी बाधाएं डाली, बहुत परेशानियां दी। अर्णब गोस्वामी फिर भी नहीं माना, काफी अड़चने आई और उसने कैसों तैसों करके रिपब्लिक नाम का चैनल डाला। अब तक भी सब सही था, रिपब्लिक चैनल आया, मैंने अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट किया, मैंने कहा ठीक है, जद्दोजहद करते आया है, रेबेल है, इसको सपोर्ट हम करेंगे क्योंकि देश हित के लिए अब अपना चैनल लाएगा, अब तो बेबाकी से जो पहले थोड़ा बहुत रुकता भी था वो भी नहीं रुकेगा और देश के लिए काम करेगा। जब जब ये मोदी सरकार जुमले और पेलेगी तो मोदी सरकार को खड़ा करेगा ये सामने, जनता के सामने। मोदी सरकार के हर भ्रष्ट, हर जुमला, हर झूठ पे उनको पकड़ेगा, खड़ा करेगा उनको डेली, हर रात 9 बजे प्राइम टाइम पे खड़ा करेगा कि कहां गए 15 लाख, सवाल पूछेगा कहां गई 2 करोड़ जॉब्स, सवाल करेगा कहां गए 100 स्मार्ट सिटीज, पूछेगा रफाल में 600 करोड़ के हवाई जहाज के लिए 1600 करोड़ रुपए क्यों दिए, पूछेगा डेली, कहेगा पूछता है भारत, नेशन वॉन्ट्स टू नो, मोदी जी से पूछेगा जो 20 लाख करोड़ का लॉकडाउन में दिए कहां गए, ये जो मोर को खाना खिला रहे हो मजदूरों को क्यों नहीं खाना खिलाया, पूछेगा डेली इस प्रकार के देश हित में भारत के लिए सवाल पूछेगा। लेकिन भाइयों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो अर्णब जो एक बेहतरीन इंसान, एक देशभक्त और एक फंटास्टिक जर्नलिस्ट होता था, जिसको मैं अनुपम त्रिपाठी स्वयं फॉलो करता था और मेरे जैसे बहुत सारे देशभक्त जो देश के लिए आज काम कर रहे हैं उसको फॉलो करते थे, क्योंकि उस समय अर्णब गोस्वामी देश के लिए काम करता था। उस अर्णब गोस्वामी जो एक अच्छा जर्नलिस्ट था, एक अच्छा इंसान था, देशभक्त था, वो अब कुछ और हो गया। स्पाइडरमैन पिक्चर देखी होगी आपने, स्पाइडरमैन पिक्चर में एक जीनियस होता है, लैब में जाता है, एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट में कुछ बहुत गड़बड़ हो जाती है और वो जीनियस एक ग्रीन कलर का मॉन्स्टर बन के निकलता है और उस ग्रीन कलर के मॉन्स्टर का आज नाम है अर्णब गोस्वामी। देखें जरा इस ग्रीन मॉन्स्टर अर्णब गोस्वामी को, जिसने अपनी पूरी इंसानियत, अपनी सोल को बेच दिया है भारत सरकार, बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी को, और देखिए अब इस सर्कस, इस मॉन्स्टर को देखें। और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। अरे बेटा अब सवाल सुनो, बेटा आवाज कम, आवाज कम। आप चीटिंग कर रहे, आप चीटिंग कर रहे हैं। बराबर का मुकाबला हो गया। जी हाँ, देखा आपने इस कार्टून को, इस मॉन्स्टर को, इस एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग को, हाँ?
ये इंसान आपको कहीं से जर्नलिस्ट दिखता है, कहीं से एंकर लगता है, हाँ बताइए। ये कार्टून है, स्पाइडरमैन पिक्चर का वो ग्रीन कलर का गॉबलिन है, मॉन्स्टर है, सिर्फ नौटंकी करता है टीवी पे, भारत पूछता है, नेशन वॉन्ट्स टू नो। मैं एग्जांपल आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरे भारत के, मेरे भारत आर्मी के, एफएफएआर इंडिया के, मोहब्बत के दंगे परिवार के, अमन के पैगाम परिवार के, मेरे सभी सहयोगी के फॉलोअर्स, मेरे सभी फॉलोअर्स, उन सबसे एक ही बस अनुरोध है, आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल है आपको दिखाने के लिए कि कैसे एक बहुत बेहतरीन इंसान, बेहतरीन जर्नलिस्ट, देशभक्त इंसान कैसे अगर करप्ट हो जाए, अपनी सोल को बेच दे, ईमान को बेच दे, तो कल वो इस प्रकार का एक नया एक एक जुमला पैदा होके निकलता है। उसको ग्रीन गॉबलिन कह दीजिए, नौटंकी कह दीजिए, बंदर कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, लेकिन इंसान नहीं है, इंसान नहीं बचता है, वो अपनी इंसानियत को भी बेच चुका होता है। वो जो निकलता है, जो नई एक प्रजाति निकलती है, उसका नाम होता है अर्णब गोस्वामी। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नॉट टू डू, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट नॉट टू डू। ये आपके लिए, सभी के लिए एक सीख है कि अपने ईमान को ना बेचे, इंसानियत को ना बेचे, अपनी नीलामी ना करें। अगर अपनी नीलामी कर देंगे तो वो जो आप इंसान थे, जो देशभक्त थे, अच्छे जर्नलिस्ट थे, वो इस प्रकार की नौटंकी निकल के आप उभरेंगे। देखें, देखें। कंगना ने तो किसी की थाली का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही रवि किशन ने, किसी की थाली में नहीं खाया। सुन लीजिए जया बच्चन जी, किसी महानायक के दिए हुए थाली में नहीं खाया। वैसे कहां है महानायक? पड़ गई है क्या? आपने मुझे कहा मेरा शांति से बात करो भैया, जब यहाँ पर लाशें गिरती है मेरा। अरे भैया, मेरे कितनी मलाई खाई है पाकिस्तान की ओर से, कितनी मलाई खाई, कितनी पाकिस्तानी मलाई खाई इलाके से। अरे अरे रावलपिंडी के हलवाई, मेरी बात सुन ले, आपके पास रोड मैप क्या है? अरे सुन ले भाई, नहीं चलती, झूठी ऑडियंस बना बना पाकिस्तान में व्हाट्सएप नहीं चलती, उसका एक्सेंट कहीं से भी पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है, आपको इतने पाकिस्तान में सिर्फ कबूतर और टिड्डी है, ऑडियोस पता नहीं, टिड्डी खाते हैं और कबूतर का, आप मुझे नहीं, ऑडियो आपकी आ रही है, टिड्डी आप खाते हैं और कबूतर के थ्रू आप मैसेज भेजते हैं। गंभीरता से, गंभीरता मतलब हिंदी में, हिंदी में मतलब सीरियस, सीरियस। ये टिप्स लगाने चाहिए था, मैं 500 लगाता हूँ। ये ऐसे टिप्स लगाने, आप लगाइए। अरे नहीं नहीं आप लगाइए, नहीं नहीं अगली बार करूँगा, थोड़ा पता तो लगे। हाँ चलिए चलिए, हाँ ये क्या, ठीक है ऐसे चलो स्टार्ट करते हैं, मैं करूँगा। तो देखा आपने, तो बस मैंने कहा आज अर्णब गोस्वामी पे एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि इनकी एक क्लिप चल रही थी सोशल मीडिया पे, इसमें जया बच्चन जी को ये डांट रहे हैं, कुछ गुहार लगा रहे हैं, अमिताभ बच्चन को ललकार रहे हैं, महानायक महानायक कर रहे हैं। मैं अर्णब गोस्वामी से पूछना चाहता हूं, अर्णब मुझे बताओ, फार्मर का इश्यू चल रहा है, 3 कंप्लीटली इलीगल बिल्स को पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इलीगल तरीके से राज्यसभा में पास करवाया, एंटी फार्मर बिल्स हैं, और मुझे इसका ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, तो यहां पे फार्मर के बिल्स हैं, फार्मर से जाके पूछ लो, सारे फार्मरों ने चक्का जाम किया हुआ है ना, पूरे नॉर्थ इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये बिल्स फार्मर को इम्पैक्ट करते हैं, फार्मर सड़क पर आ गया है, कैर विरोध कर रहा है। तुम और मैं कौन होते हैं उसकी बात को डिस्प्यूट करने वाले? हाँ बताओ, तो मुझे बताओ, कोरोना डेली एक लाख और फैल रहा है, 55 लाख प्लस कोरोना के केसेस हो गए हैं, तुम्हारी 100 स्मार्ट सिटीज, 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज, 75,000 करोड़ जेएनके के लिए, 1,25,000 करोड़ बिहार के लिए, अभी फिर 50,000 करोड़ बिहार की फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 15 लाख अकाउंट में देंगे, ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई करेंगे,
अच्छे दिन लाएंगे। रफाल स्कैम, व्यापम स्कैम, जीडीपी -24%, अनएम्प्लॉयमेंट एट द पीक 45-year high, पिछले 6 महीने में ही 1.5 करोड़ ऑर्गेनाइज सेक्टर की सैलरीड वालों के जॉब्स गए, 10 करोड़ मोर पीपल हैव बीन पुश्ड इनटू पॉवर्टी इन द लास्ट 6 months अलोन। पहले 25 करोड़ लोग पॉवर्टी के नीचे होते थे, अब 35 करोड़ हो गए हैं, 15 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब लॉसेस हुए हैं पिछले 6 महीने में, और पिछले 6 साल से लगातार नीचे जा ही रहा था, कोई ऐसा नहीं कि ये 6 महीने का है, द इकोनॉमी वॉज ऑलवेज गोइंग डाउन। सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया है, सीबीआई हो चाहे आरबीआई हो चाहे ईसीआई हो, यूपी में जंगल राज चल रहा है, दिल्ली में दंगे तक हो गए, 84 से कुछ सी ने सुना नहीं था वो भी हो गए। तुमको ये सारे इश्यूज नहीं दिखते हैं, तुमको सिर्फ रिया चक्रवर्ती दिखती है, कंगना रनौत दिखती है, उन्हीं के इर्द गिर्द तुम्हारी 200 स्टोरीज पिछले 2 महीने में हुई हैं। तुमको भारत नहीं दिखता है, पूरी अपनी सोल को बेकाए तुम, शर्म नहीं आती है तुमको अन्नम। मैं अनुपम त्रिपाठी तुम्हारा फॉलोअर होता था, कहीं कह सकता हूं फैन तक। मैं अनुपम त्रिपाठी जब तुम रिपब्लिक चैनल बना रहे थे, मैंने तुम्हें पता है तुमको एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट अप्लाई किया, अपना डेटाबेस छानना, मेरा सीवी तुम्हारे डेटाबेस में होगा, रिपब्लिक को ईमेल किया था मैंने, मैंने कहा था यू कैन एंगेज मी एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट तुम्हारे लीगल साइड पे, और जितनी सोशल एक्टिविज्म की स्टोरीज होंगी और जितनी लीगल स्टोरीज होंगी उनमें आई कैन गिव माई की इनपुट्स। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता था। आज ऐसा है कि तुम मुझे 10 करोड़ रुपए हर महीने छोड़ो, हर मिनट भी दे दो, तो मैं अपने ईमान को बेच के तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, थूक दूंगा उस 10 करोड़ रुपए पर। मेरे साथ तो पूरा भारत है, 10 करोड़ क्या है मेरे लिए, कुछ नहीं, 137 करोड़ भारतवासी मेरे साथ है, माइनस यू मोदी जी और ये 2-4 अनभक्त। शर्म नहीं आती तुम्हें, शीशे के सामने खड़े होते हो, अपनी रूह को पहचानते हो, चलिए भाइयों, ये वीडियो मैंने दिल से बनाया, पसंद आया होगा इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, आज भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत आर्मी से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करिए मुझे 9899874982 पे, अपना शुभ नाम भेजिए शहर और राज्य के साथ और बताइए कि क्यों भारत आर्मी के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप सभी लोगों का जो भारत के लिए सोचते हैं, जो सेक्युलरवादी हैं, कास्टिज्म में विश्वास नहीं रखते हैं, रीजनलिज्म में विश्वास नहीं रखते हैं, पीसफुल मूवमेंट में विश्वास रखते हैं, गांधीयंस हैं और बीजेपी विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार विरोधी हैं और मोदी जी विरोधी हैं, संघी विरोधी हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बेहतर भारत बनाते हैं और अर्णब गोस्वामी टाइप बिग हाउस होल्ड मीडिया को जबकि मैं और आप एक्सपोज करते हैं। वादा करता हूं अर्णब, भी मेरी पहली और आखिरी स्टोरी या वीडियो नहीं होगी तुम्हारे पे। हम कैंपेन चला रहे हैं स्टॉप योर हेट कैंपेन, जिसमें हम हेट मॉन्गर्स ऑफ सोल्ड मीडिया, गोडी मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। ये कैंपेन चलते रहेगा बराबर, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब भारत आर्मी, अनुपम त्रिपाठी, मेरे सभी सहयोगी, हमारे करोड़ों फॉलोअर्स कंबाइन, छोड़ेंगे नहीं तुमको। वी विल कीप एक्सपोजिंग यू डे इन एंड डे आउट, तुम्हारा नंगा नाच, तुम्हारा बंदर नाच, तुम्हारा पूरा ये बिकना ड्रामा जो तुम चलाते हो, पूछता है भारत, नेशन वॉन्ट्स टू नो, 9 बजे प्राइम डेली हम एक्सपोज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। और तुम्हारे जैसे और जो बिकाऊ गोदी मीडिया है और जो हेट बॉम्बर्स है, मुहिम चालू कर दी है स्टॉप योर हेट। मेरे भाइयों बहनों सभी लोग जो देख रहे हैं, स्टॉप योर हेट यानी हैशटैग स्टॉप योर हेट कैंपेन से जुड़े, भारत आर्मी से जुड़े, कैंपेन चलाए। अर्णब गोस्वामी की यहां से जितनी लाइव होती है सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब वगैरह पे, जाए करें वहां, डिसलाइक किया करें और कॉमेंट में हैशटैग स्टॉप योर हेट लिख के इनको बता दिया करिए कि तुम्हारी नफरत की दुकान, तुम्हारी झूठ की दुकान, तुम्हारा बंदर और नंगा नाच हम नहीं सहेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड,
वी लव दिस कंट्री, वी लव एवरी हिंदू, एवरी मुस्लिम, एवरी सिख, एवरी ईसाई इन दिस कंट्री, एंड यू आर वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस कंट्री इज इन द पिट्स राइट नाउ, इट्स इन अ होल राइट नाउ. अगर मोदी जी इतने बड़े कारण हैं देश को रेगिस्तान बनाने में, तो तुम भी इतने बड़े कारण तो हो. जय हिंद, जय भारत.